सब्सक्राइब कीजिए हमारे ई कॉमर्स आइडियाज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। तो आज वीडियो में बताने वाला हूँ आप अमेजन पे कैसे प्रोडक्ट का वेरिएंट लिस्टिंग करेंगे। तो पहले वीडियो में बताता था फ्लिपकार्ट पे कैसे करना होता है वेरिएंट लिस्टिंग, उसके बारे में उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो फिर आप आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अमेजोन पे आप अपना जो प्रोडक्ट है वो वेरिएंट लिस्टिंग कर सकते हैं, या तो कलर के हिसाब से या तो फिर साइज के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस कैसे करना होता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो अमेजोन पे आपको वेरिएशन लिस्टिंग करने के लिए पहले आपको अमेजोन पे पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको जाना है कैटलॉग एंड ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अमेजोन आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको चूज़ करना है प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आप जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आप जिस कैटेगरी में डील करते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेनली मैं जो कैटेगरी में डील करता हूँ वो है लेडीज़ क्लास के ऊपर, मैं जो लिस्ट करने वाला हूँ मेनली बैग्स के ऊपर मैं करता हूँ, तो बैग्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ और हैंड बैग एंड क्लचेस ऑन एंड क्लच। तो कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल भरना है आपके प्रोडक्ट का। तो देखिए यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइप एंड मैनुफैक्चर पार्ट नंबर, जो सिंगल लिस्टिंग के टाइम जो यहाँ पे फील्ड्स आते हैं वही फील्ड यहाँ पे है। तो सिंगल लिस्टिंग प्रोसेस जो है ये सेम ही प्रोसेस है। तो सिंगल लिस्टिंग को कैसे करना है अमेजोन पे उसके ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, तो वो आप देखने के लिए सिंगल लिस्टिंग कैसे करना है वो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं ये फील्ड में अभी मैं फील नहीं करूँगा, पहले मैं फील करूँगा वेरिएशन। तो वेरिएशन टैब में जाके आपको पहले सिलेक्ट करना है आप किस हिसाब से वेरिएशन करेंगे, मतलब आप कलर के हिसाब से करेंगे, मटेरियल के हिसाब से करेंगे, मटेरियल और साइज के हिसाब से करेंगे, वो कैसे करेंगे पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है मटेरियल को, तो मैं जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं करूँगा कलर के हिसाब से, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो दो तीन कलर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कलर। तो कलर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कलर को ऐड करना है कि कौन कौन से कलर आपके ऊपर आप वेरिएशन डालना चाहते हैं। तो मेरा जो कलर मैं डालूँगा एक रेड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। तो देखिए जब मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ डिटेल जो फील्ड्स है यहाँ पे मिल जाएगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, मतलब उस प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का एसक्यू आई डी क्या है, आई डी क्या है, उसके हिसाब से एक फील्ड आपको मिल जाएगा जो आपको भरना है। नेक्स्ट जो कलर मैं यहाँ पे डालूँगा ब्लैक। तो जितना कलर आपके पास है उतना कलर आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे फील्ड ऐड करना है, जो जो कलर आपके पास है सब यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कलर मैप रेड दे रहा हूँ यहाँ पे एसक्यू आई डी। तो चलिए मैं एसक्यू आई डी देख लेता हूँ मेरे प्रोडक्ट की एसक्यू आई डी क्या है। ये है मेरे प्रोडक्ट की एसक्यू आई डी, तो यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ एसक्यू आई डी। प्रोडक्ट आई डी होता है कि जीटी, अगर आपका प्रोडक्ट जीटी एग्रीगेशन है तो उसके हिसाब से होता है, या ये नंबर यूपीसी नंबर एएसएन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जीटी एग्रीगेशन क्या है और जीटी नंबर क्या है, कैसे आपको अमेजोन से अप्रूवल लेना है, उसके ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है कि क्या है जीटी एग्रीगेशन और कैसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे अमेजोन को, तो वो आपको देखने के लिए आप आईबटन में क्लिक करके देख सकते हैं ऊपर में या तो फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पर भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी यूपीसी कोड है तो मैं यूपीसी कोड से ही लिस्टिंग करूँगा यहाँ पे। तो चलिए मैं यूपीसी कोड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये है मेरे प्रोडक्ट का यूपीसी कोड, तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ यूपीसी कोड। उसके बाद मैं कंडीशन दूंगा और इसका प्राइस दूंगा 459, क्वान्टिटी 1। सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट वाला भी फिल करना है, मतलब जितना कलर आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो सब आपको यहाँ पे भरना है, सेम प्रोसेस के थ्रू ही आपको भरना है। थोड़ा टाइम लगता है ये भरने के लिए क्योंकि आपको वेरिएशन बनाना है, बहुत सारा प्रोडक्ट है तो बहुत सारा ही आपका वैसे वेरिएशन आपको डालना होगा। तो चलिए मैं यूपीसी का जो कोड है वो भी यहाँ पे मैं डाल दिया, न्यू कर दिया और 459 क्वांटिटी 1। तो ये हो गया मेरा वेरिएशन जो फील्ड्स है वो उसको फिल करना। उसके बाद चले जाते हैं वाइटल इन्फो पे।
जब आप वाइट लिंक पे आएंगे तो देखिएगा प्रोडक्ट आईडी यूपीसी कोड ऐसा वगैरह वो सेम चीज़ यहाँ पे था, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे वेरिएशन का डिटेल वहाँ पे डाला है तभी यहाँ पे देखिए वो वाला फील्ड यहाँ से रिमूव हो गया है, सिर्फ जो फील्ड मैंडेटरी है वो फील्ड यहाँ पे एक्टिव है। तो मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर आपको डालना है, अगर आपका ब्रांडेड कोई आइटम हो उसका आपका मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर है तो वो तो कंपनी, अगर कुछ कंपनी का चीज़ हो तो वो वहाँ पे आपको जो पार्ट नंबर है वो तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो है जेनरिक प्रोडक्ट लोकल मार्केट से आप परचेस कर रहे हो तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, तो आपको एक पार्ट नंबर खुद से जनरेट करना है। तो चलिए मैं खुद से पार्ट नंबर जनरेट कर ले रहा हूँ मैं, तो ये है मेरा ब्रांड नेम मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ और ये मैंने एक क्रिएट कर ले रहा हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास जेनेरिक प्रोडक्ट हो तो। और डालना है प्रोडक्ट टाइटल, तो ये भी एक बहुत वाइटल चीज़ है अमेज़न पे लिस्टिंग करने का, प्रोडक्ट के टाइम जो टाइटल होता है ये आपको बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि अमेज़न का एसईओ जो है प्रोडक्ट जो है वो इस टाइटल के ऊपर से ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी। तो एक वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे आपको प्रोडक्ट को टाइटल को अरेंज करना है, कैसे आपको वो देना है ताकि आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बढ़े और आपका सेल भी बढ़े। तो कैसे आपको चेक करना है अमेज़न पे आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी कितना आ रहा है, कौन से पेज में आपका प्रोडक्ट आ रहा है, वो चेक करने के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाला है हमारे चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो कैसे आप विजिबिलिटी चेक करेंगे अपने प्रोडक्ट का। तो वो देखने के लिए आप आईबटन क्लिक कर सकते हैं या तो फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं जो ब्रांड नेम है मेरे ब्रांड नेम के हिसाब से ही मैं वो डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद ब्रांड आपको ब्रांड आपका जो ब्रांड है वो डालना है, स्टाइल नेम आपको देना है, मेरा जो है क्लास है तो मैं क्लास सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट वुमेन, मटेरियल टाइप बीडेट एंड बीडेट। तो ये हो गया मेरा जो वाइटल इन्फॉर्मेशन वो मैंने यहाँ पे भर दिया है, और ये वाला तो पहले ही हमने फिल कर दिया था वेरिएशन क्या है। और उसके बाद जाना है ऑफ़र, ऑफ़र में यहाँ पे जाके एडवांस व्यू आप ऑन कर लेंगे तो और भी डिटेल आपको मिल जाएगा क्या क्या डालना है, तो वो आपको डालना ज़रूरी है। जो जो फील्ड यहाँ पे रेड कलर का है वो एक मैंडेटरी फील्ड है, जो जो फील्ड नहीं है रेड कलर का तो वो मैंडेटरी नहीं है, वो बाद में आप डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको डालना है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे टैक्स कोड आपको देना है, तो 18% जीएसटी के अंदर ये प्रोडक्ट आता है, तो मैं 18% जीएसटी का जो है वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने डाल दिया, उसके बाद मेरा डालना है हैंडलिंग टाइम, कितने टाइम में मैं ये प्रोडक्ट को डिस्पैच कर पाऊँगा। और यहाँ पे आपका जो ABM है तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न यहाँ पे सेट करना है, अगर आप खुद आप प्रोसेस करेंगे तो आई विल शिप दिस आइटम माई से, तो ये मैं ऑप्शन चूज़ करूँगा। और यहाँ पे ये फील्ड जो है ये कंप्लीट हो गया है, मैं नेक्स्ट जाता हूँ आइटम वेट पे, तो वेट कितना है मेरे प्रोडक्ट का वो एक बार मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे 159, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 159। वो किस हिसाब से आपको आप यूनिट में डाल रहे हैं वो आपको देना है, तो एक ग्राम में है तो मैं GR सेलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। बैटरी वगैरह नहीं है तो वो यहाँ पे और भी कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर देख लेता है एक बार जो ज़रूरत है वो आप डाल दीजिए, और कुछ भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ यहाँ पे इमेज, आप इमेजेस यहाँ पे वेरिएशन के टाइम आपको इमेजेस ऐसा डालने का जगह नहीं है कि अलग अलग एक साथ आप सब डाल दिया और वो लिस्टिंग कर ऑटोमेटिक डिवाइडेड हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है अमेज़न पे। तो ये मतलब सबमिट करने के बाद आपको जो वेरिएशन में दो ऑप्शन दो कलर का वेरिएशन का अलग से SQRD के लिस्टिंग मिल जाएगा, तो उसके अंदर आपको इमेज को अलग से अपलोड करना है। ये आपको अलग अलग जो वेरिएशन आप डालेंगे सबका ही आपको मैनुअली करना होगा। तो ये इमेज वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको अपलोड करना है। उसके बाद चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, तो बाद में मैं बुलेट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैं फ़िलहाल छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। कीवर्ड्स मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, सर्च थीम होगा यहाँ पे, कैजुअल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ,
या इतने पार्टी भी दे सकते हो, पार्टी स्टाइल कीवर्ड मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ हैंड क्लच वुमेन हैंड क्लच मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, बाद में आप ऐड कर सकते हैं। प्लेटिनम कीवर्ड आप डाल दीजिए क्लच, ऐड कर दूँ यहाँ पे मैं वुमेन हैंड क्लच, बीडेड क्लच, जी आई आर गर्ल्स क्लच, हैंड क्लच। आप जितना सके यहाँ पे प्रॉपर आप यहाँ पे ऐड कीजिए कीवर्ड्स जो डालने से आपको प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो ये हो गया, मोर डिटेल्स में जाके आप देख सकते हैं शिपिंग वेट वगैरह। आप बाद में आप अपडेट कर दीजिए तो भी मैं एक बार अपडेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे 150 मतलब फिर से आपको डालना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे ही सब जो झमला है आप ख़त्म कर लीजिए ताकि आपको बाद में वो फिर से करना नहीं पड़े यहाँ पे। तो 159 जो मेरा प्रोडक्ट का वेट है तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक बार 200 200 मैं दे रहा हूँ वो है ग्राम में है। ये मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे पैकेजिंग वेट यूनिट मैंने डाल दिया, वॉल्यूम कैपेसिटी मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरर ये ज़रूरी नहीं है, आइटम पैकेज क्वांटिटी 1 ही होगा और नंबर ऑफ आइटम 1 होगा। जो यहाँ पे आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट हिसाब से हो रहा है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो फिलहाल इतना ही काफ़ी है यहाँ पे डालने का। हाइट वेट मैं एक बार डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास है तो डाल दे रहा हूँ मैं। जो हाइट है 13 सेंटीमीटर है हाइट, तो यहाँ पे मैं 13 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे वाइड दे रहा हूँ 24 दे रहा हूँ मैं, सॉरी लेंथ होगा 2 और ये होगा 13 और ये है मेरा जो है CM की यूनिट से है तो सेंटीमीटर के हिसाब से है। तो यहाँ पे डाल दिया हूँ मैं और डायमेंशन यूनिट ये ज़रूरी नहीं है, अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फील्ड्स है सब मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आपको फाइनली आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे जिस वजह से वो सबमिट नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं देख ले रहा हूँ क्या फील्ड बचा हुआ है जिस वजह से सबमिट नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखते हैं, ये हो गया है, देखिए सब फील्ड सिक करके है। तो ये जो ऑप्शन है सेव एंड चेंजेस पे आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये सबमिट हो गया है और 15 मिनट्स के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा। तो ये 15 मिनट्स दिखाता है तो होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो देखते हैं वहाँ पे जाके एक बार लिस्टिंग टैब में जाके देखते हैं वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड जो प्रोडक्ट का जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने अभी लिस्ट किया है तो ये एक अलग से एक यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगा कि जनरेट हुआ है, अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। तो कुछ ही टाइम 1-2 घंटे हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या अपडेट आता है। उसके बाद अब वेरिएशन लिस्टिंग जो हुआ है ठीक तरीके से वो एक बार चेक करना है और वहाँ पर इमेज भी कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएशन लिस्ट करने के बाद वो यहाँ पे अपडेट हो गया है, वेरिएशन करके एक स्टेटस आ गया है और यहाँ पे एक देखिए एक अलग से एक्सक्यूआरडी होता है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये जो प्रोडक्ट मैंने अभी डाला है तो वो शो कर रहा है। तो चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट को, इमेज को एक बार देखता हूँ। यहाँ पे इमेज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पे जाके अलग से आपको डालना है, इमेजेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इमेजेस को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ऐसे इमेज को आपको अपलोड करना है, आपको ब्लैक वाले जो मैंने डाला है वो भी आपको अपलोड करना है।
तो सेम प्रोसेस में ही आपको इमेज को अलग अलग आपको अपलोड करना है। मतलब इसके अंदर वेरिएशन के अंदर जितना आपको प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे तो अलग से यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगा कितना कितना प्रोडक्ट ऐसे वहाँ पे ब्लैंक शो करेगा, तो आप इमेज को वहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। तो उसके वो अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो इमेज को ऐड होने में टाइम लगता है, तो अपलोड करने के बाद घंटा दो या तीन आप वेट कर लीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट जो इमेज है वेरिएशन जो है वो इमेज जो है वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बार लिंक चेक कर ले रहा हूँ, देखता हूँ कि जो वेरिएशन है वो ठीक तरीके से आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो मास्टर लिंक क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मैं जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टैब ओपन हो रहा है और उसके अंदर वो दो आइटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है, डिटेल में अभी भरा नहीं हूँ, तो और भी डिटेल मेरे को यहाँ पे भरना है क्योंकि उतना डिटेल यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। और देखिए ये दो प्रोडक्ट जो है वो अलग से लिस्ट हो गया है, देखिए यहाँ पे दो आ गया है। तो मतलब आपका जो वेरिएशन लिस्टिंग है ठीक ठाक है। तो ऐसे करके वो वेरिएशन लिस्ट आपको करना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है अपडेट होने में, एक दो घंटा लग सकता है। तो आप 15 मिनट्स शो कर रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारे सेलर ने पहले वीडियो में कमेंट भी किया है कि 15 मिनट्स हो गया है अभी तक कोई अपडेशन मिल नहीं रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा टाइम लगता है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम जब जनरेट होता है थोड़ा टाइम लग सकता है टेक्निकल इशू की वजह से। तो आप दो तीन घंटे वेट कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। तो आप लिस्टिंग करने के बाद ही वो इमेजेस को अलग अलग तरीके से अपलोड कर दीजिएगा, ताकि वो टाइम आपको दो तीन घंटे वेट करें ये आ रहा है उसके बाद आप इमेज अपडेट, ऐसा मत कीजिएगा। आप एक दो मिनट वेट कर लीजिएगा वेरिएशन करने के बाद, वो यहाँ पे इमेज अपलोड का जगह आ जाएगा। तो हर इमेज के ऊपर क्लिक करके आप इमेज को अपलोड कर दीजिएगा, ताकि और उसके बाद दो तीन घंटे आप वेट कर लीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट का वो जो वेरिएशन लिस्ट किया है वो लाइव हो जाएगा। और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आप एडिट में जाके आप एडिट कर सकते हैं। तो ये था वेरिएशन लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस, तो ये आपको फॉलो करके आप वेरिएशन लिस्टिंग आराम से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको Amazon में कैसे वेरिएशन लिस्टिंग करना होता है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर इस वीडियो के ऊपर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि उसका जो रिप्लाई हो मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको दे सकूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन मत भूलना ताकि नए वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे चैनल को आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।